से ऐसा फ्रेम खाली दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि भाई प्रॉब्लम वाला है। इधर ऐसा रखिए, चलेगा। मैं छुपा लूंगा तेरे, तीनों खा लेना। Thank you everybody, you guys so amazing. आई थिंक हमारे पास आजकल बहुत टाइम है और कंटेंट के लिए जो अवेलेबल एवेन्यूज़ है वो कम है, तो विथ ऑडिबल सुनो, आई थिंक इट्स जस्ट टाइम फॉर यू टू लाइक जोन आउट द नॉइज एंड ट्यून इन टू रियली गुड कॉन्टेंट, एंड दैट्स द स्पिरिट। आई थिंक विथ ऑडियो आपकी इमेजिनेशन रन्स फार वाइल्ड दैन वेन यू यू नो वॉच एन ऑडियो विजुअल मीडियम। सो फॉर मी ऑडियो इज जस्ट अ वे टू एक्सपैंड योर इमेजिनेशन इन इट्स ओन सेल्फ। Yes. Yes. I think it's been a concept that has taken over the West many, many years ago. In fact, I have been listening to audiobooks for a very long time. Personally, मेरे लिए it's really difficult कि मैं किताब उठाऊँ और वो पूरी किताब पढ़ूँ, because you know sometimes good content has a lot of pages to finish. Like for example, Sacred Games is like 900 pages, but it's easier to finish the book when you're listening to it. And the best thing is you can listen to it while you're doing anything. You could be traveling anywhere. And more importantly, I think just switching out of just audio books, you're getting to dwell into the minds of incredible people who are bringing you such diverse content, from self-development to comedy to entertainment to music to film stars, everything on one platform. So can you ask for more? I would listen to, I listen to podcasts, I listen to audiobooks, and I listen to a lot of fresh content. And I'm a storyteller, so for me, stories are a way to expand your own self, because jo power kahaniyon mein hota hai, wo शायद ही किसी और जगह में होता है। सो आई थिंक स्टोरीज हैव अ पावर टू शिफ्ट समथिंग इनसाइड यू, टू मूव समथिंग इनसाइड यू, एंड मोर इम्पोर्टेंटली स्टार्ट अ डिस्कशन। सो ऑडियो इज द वे मैन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जी। यस बेबी, thank you.
एक्साइटमेंट काफ़ी है क्योंकि नया प्लेटफॉर्म है और कोशिश यही है कि ये जो शुरुआत की है ये रेगुलर हो जाए आप क्योंकि इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं और आई होप एक नया एक्सपेरिमेंट है कि वो सक्सेसफुल हो। एक क्राइम स्टोरी है जिसके लिए मैंने अपनी आवाज़ दी है और आवाज़ की पूरी एक स्टोरी है, उसमें बहुत सारे कैरेक्टर हैं, सबकी आवाज़ दी है मैंने उसमें और एक कंप्लीट स्टोरी है। सिर्फ विजुअल की कमी है लेकिन वो विजुअल जो साउंड से जो कंप्लीट करेगा वो एक इंटरेस्टिंग पार्ट है उसका। कहाँ पे जब भी आप ट्रैवल करेंगे या कुछ करेंगे? सी हम लोगों का क्या है कि ज़्यादातर जो टाइम जाता है वो देखने में और सुनने में जाता है, बट उससे क्या होता है कि आपकी इमेजिनेशन वहीं ज़ीरो पे ही रहती है। इससे क्या होगा, अगर आपको सुनेंगे इसको तो इमेजिनेशन ट्रैवल करेगी आपकी, विच इज़ वंडरफुल एक्चुअली, वो एक नया एक्सपेरिमेंट है। मेरी तो अभी ऐसा कुछ, अगर बाद में कुछ ऐसा आएगा तो देखेंगे, अभी तो फिलहाल ऐसा तो मेरा मैं इस प्लेटफॉर्म के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ। हमने बहुत लुक दे मैं इस प्लेटफॉर्म के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि हमने एक बहुत ही शानदार शो किया है, ऑडियो शो किया है जिसका नाम है आज़ाद आवाज़। इट्स अबाउट दी LGBTQ कम्युनिटी और इंडिया में ये पहला LGBTQ कम्युनिटी के बारे ऑडियो शो बनाया गया है और इस शो में हमने 10 एपिसोड अभी रिकॉर्ड किए हैं और हर एपिसोड की कहानी बहुत ही यूनिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग, हर गेस्ट की कहानी बहुत ही यूनिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट समथिंग लाइक दिस इज़ हैपनिंग इन इंडिया एंड आई फील दैट इट्स गिविंग अ वॉइस टू पीपल हु डोंट यूजली हैव एन अपॉर्चुनिटी टू टेल देयर स्टोरीज। तो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट द लॉन्च ऑफ दिस ऑडियो शो। बहुत ही इमोशनल और बहुत ही इंटेंस एक्सपीरियंस रहा क्योंकि हर गेस्ट की कहानी बहुत बहुत ही यूनिक थी, बहुत ही डिफरेंट थी, बहुत ही इमोशनल थी और एक मुझे वहाँ पर उनके साथ रिकॉर्डिंग रूम में बैठ के उनकी कहानियाँ सुननी थी, उनकी कहानियाँ अब्जॉर्ब करनी थी और उनसे और उनकी कहानियों में मुझे कंपैशन और एम्पथी ढूंढनी थी एंड इट वाज अ वेरी इमोशनली चार्ज्ड एक्सपीरियंस फॉर मी। आज़ाद आवाज़ नाम से ही पता चलता है कि ऐसे में बहुत सारे लोगों की आवाज़ को शायद आप लोग रेज करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, जैसे हम LGBT की बात कर ले, उनकी बातें, उनकी डिमांड हमारी सोसाइटी में सुनी नहीं जाती, ऐसे कौन कौन सा टॉपिक आपने चूज किया है कि अगर आप कुछ बता सकें थोड़ा बहुत? तो हमारे पहले सीज़न में 10 एपिसोड हैं और पूरे और हर एपिसोड एक दूसरे से अलग है। हमारे पहले एपिसोड में देयर इज अ लेस्बियन कपल, दूसरे एपिसोड में देयर आर टू गे गाइस, तीसरे एपिसोड में देयर इज अ ट्रांसजेंडर एंड हर मदर,
और फिर वी हैव इंडियाज फर्स्ट ट्रांसजेंडर पायलट, वी हैव द सेक्शन 377 लॉयर्स, वी हैव वेरी फेमस फैशन डिज़ाइनर मनीष अरोड़ा जिनके कपड़े आज मैंने पहने हैं, वी हैव विकी कौशल एंड रिचा चड्डा वन एपिसोड हु आर बिग सपोर्टर्स ऑफ द LGBTQ कम्युनिटी. तो हर एपिसोड में बहुत हर एपिसोड एक दूसरे से अलग है और हर एपिसोड में बहुत ही यूनिक कहानियाँ दी बोली गई. थैंक यू. जी जी, आपको सुनने को मिलने वाला है मेरा शो. चलिए, मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ. मेरे हिसाब से जो स्टोरी टेलिंग का सबसे प्योर फॉर्म है वो ऑडियो होता है, क्योंकि जब आप कहानी सुनते हैं तो आप ये नहीं याद रखते कि आपने क्या पहना था, मैंने क्या पहना था, कि रूम कैसा था. बस जो कहानी सुनी है आपने वो आप याद रखते हैं. मेरा जो शो है उसका नाम है बी स्ट्यूपिड, जहाँ बहुत ही बेवकूफ़ लोग जो मेरी तरह बेवकूफ़ हैं, जिन्होंने बहुत ही ख़राब डिसीजन लिए हैं लाइफ में, उनके साथ क्या कांड हुआ है उनकी वजह से, उसके बारे में बात करते हैं. तो शो का नाम बी स्ट्यूपिड. बहुत अच्छा रहा. हमने करीबन 4 महीने के लिए रिसर्च किया और 15 नॉर्मल लोगों के साथ बैठा हूँ मैं और उनकी कहानियाँ सुना मैं. तो सेलिब्रिटीज़ नहीं है ना, मैं अपने बारे में बात करता हूँ, लेकिन एक बच्चे को एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है लेकिन वो एक माउंटेन क्लाइंब करना चाहते हैं, एक 90 साल के आदमी हैं जो अपने पूरी फैमिली को लव मैरिज के लिए छोड़ चुके हैं. बहुत ही बेवकूफ़ी के जो डिसीजन होते हैं उनके बारे में बात करते हैं. बहुत अच्छा लगा. यस, द शोज आई डू आर अबाउट मी, लेकिन ये जो शोज़ हैं नॉर्मल पीपल के बारे में है, तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक मैं इसमें एक ऑडियंस मेम्बर हूँ और उनकी कहानियाँ सुन सुन के मैं कॉमेडी बनाता हूँ उससे. चाह ठीक है, थैंक यू बॉयज. चलो मैडम, यहाँ पे राइट में, राइट में, तो
again. Audible. जी बिल्कुल. तो ऑडिबल सुनो पहले तो. सॉरी हेलो. ऑडिबल सुनो पहले तो बता दूँ कि एक फ्री ऑफ कॉस्ट ऐप है तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं. बहुत सारे डिफरेंट जॉनर्स के शो आ रहे हैं. थ्रिलर है, कुछ बहुत मस्ती वाले शो हैं, फनी शो है, सैड शो है, हैप्पी शो है, सो हॉरर शो है. सो आई गेस मैं भी वेट कर रही हूँ लॉन्च होने का. द शो दैट आई एम होस्टिंग इज कॉल्ड मैट्रिमोनियल एनोनिमस. वहाँ पे बहुत सारे लोग सामने आकर उन्होंने अपनी कहानियाँ शेयर की हैं कि किस तरह से उन्हें अपना लाइफ पार्टनर मिला और किस तरह से उनकी शादी हुई. सो इट्स अ फन शो एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म. ऑडिबल इज समथिंग दैट आई हैव पर्सनली यूज्ड फॉर लास्ट 4-5 years बिकॉज you know whether you're in a car or you know you're doing some housework or running or walking or doing some exercise, you can just put on your headphones, download the app on your phone and listen to it. So and I love books, so I love audiobooks as well. Ji, uska naam Matrimonial Anonymous hai. Abhi bata. Okay. Aapki jo bhi movie hai, bahut hi appreciate kiya gaya. One of the most appreciated movie was Bold. Aur ab wo China mein bhi release hone ja rahi hai. So how excited are you? Bahut excited hu. In fact, maine Reema ma'am ko message kiya tha. Ye news aate hai ki ma'am hum kyun nahi ja rahe hain China. But I guess everybody is busy. So I have never been to China. I hope and maine suna hai ki they love Indian films over there. So I hope that they like Gold as well. जी मुझे कुछ नहीं पता. आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आस्क अबाउट ब्रह्मास्त्र. नो प्लान राइट नाउ. आई लेट्स सी. इट्स माय न्यू ईयर प्लान्स आर ऑलवेज लास्ट मिनट. आई लाइक टू वर्क टिल आई कैन एंड देन प्रोबेबली व्हेन हाउएवर डेज आई हैव लेफ्ट देन आई टेक अप सम. यस. Hi everyone, wish you all a very Merry Christmas and a Happy New Year. Aap sabhi ko Nav Varsh ki hardik shubhkamnaen. Thank you. Okay. Hello, main hu Moni Roy aur aap sabhi ko New Year ki hardik shubhkamnaen. Thank you. Hi, if you'd like to... मैंने एक इसमें प्रोग्राम किया है जिसका नाम है ए दिल है कॉम्प्लिकेटेड, जिसके मैंने 24 एपिसोड किए हैं, जिसमें रिलेशनशिप्स के ऊपर बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर जो राइटर हैं उन्होंने अपनी जीवन के बारे में कुछ एक पार्ट कहा है और मैंने उसके बारे में उनसे इंटरव्यू लिया है, उनसे डिस्कशन किया है ताकि उस विषय के बारे में खुलासा हो सके. सो दैट इज़ व्हाट आई हैव डन फॉर ऑडियंस. मेरा बहुत अच्छा रहा क्योंकि ऐसे ऐसे टॉपिक्स थे कि मुझे बिल्कुल कुछ तो बहुत शॉकिंग थे, कुछ बहुत इमोशनल थे, तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला. एक तो यू कैन नॉट बी जजमेंटल व्हेन यू आर डूइंग दिस, कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ओपन मैरिज है, अगर मैं विश्वास नहीं करती तो ज़रूरी नहीं है कि वो आदमी गलत कर रहा है. सो इस तरह के बहुत अच्छे एक्सपीरियंस हुए. Excited. This is the first time I've done an audible show and it's a subject very close to my heart and I'm very kicked about it.
It's a quirky, fun, happy show, but it deals with something really serious. No, it's my own show. So my show is called My Expressed, and I've given my voice and it's my story. I am very, very happy, and I'm so glad he's doing a fantastic job. He's picking up some good scripts, and he's really evolved and grown as an actor, and I'm happy. मैंने एक शॉर्ट फिल्म अभी बनाई है नीना जी के साथ गुनीत मोंगा इज हैज प्रोड्यूस्ड इट एंड इट्स अ वेरी स्वीट फिल्म सिंपल सी है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट नथिंग कॉम्प्लिकेटेड बट अगेन इट्स अ वॉइस ऑफ अ वुमन सो इट्स आई रियली लुक फॉरवर्ड टू सॉर्ट ऑफ रिलीजिंग इट एंड सीइंग लोगों को कैसे अच्छी लगती है थैंक यू It sounds very catchy, very nice. I am excited because it interests me for the fact that I do not know much about what's going to happen when I go inside. So that's why I'm quite interested, as it's quite a mystery that it's created in my head. Okay, have you lent your voice to any of the story in December? Well, no, I haven't. But I'm here to be a part of this interesting event, which includes all of these elements that I'm, you know, getting to know. And I think it's a lovely space and a lovely initiative. And I'm quite happy to be a part of something that's quite new, quite creative, and that adds a mystery element in everyone's head who don't know much about what entirely is it going to be when you go inside. So yeah, I'm quite excited about it. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thanks. Would you like?